कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। इतना मुझे गुस्सा आ रहा है मैं बता नहीं सकता। एक बच्चे का मैसेज आया मुझे, सर हमारा ना एग्जाम में, सर स्कूल के यूनिट टेस्ट में नंबर अच्छा नहीं आया, मम्मी पापा बहुत मेंटली प्रेशराइज कर रहे हैं, सर हमें डिप्रेशन हो गया है, हम खोखले होते जा रहे हैं, हमारा मन कर रहा है सुसाइड कर ले, पापा हमारे कह रहे हैं मर जाओ, स्ट्रीम चेंज करा दो हमारी, साइंस से हमें कह रहे हैं कॉमर्स दिला देंगे, हम क्या करें सर? भाई बहुत पैसा, बहुत सारा शौक और बहुत कुछ मार के ना पेरेंट्स तुम्हारी पढ़ाई को फंड कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा पैसा लगा के, बहुत सारी अपनी इच्छाएं मार के तुम्हारे पेरेंट्स जो है ना तुम्हारी पढ़ाई को फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है, और तुम उनकी डांट भी नहीं सुनोगे, तुम उनकी डांट भी नहीं सुनोगे, तुम्हें डिप्रेशन होगा डांट खाते ही, क्योंकि तुम्हारी जनरेशन को डिप्रेशन पता नहीं कितनी जल्दी होता है, जबकि आज के माँ बाप तो बेचारे मारते भी नहीं है, हमारे पापा तो बेल्टे बेल्ट सूखते थे, जब पढ़ते थे हमारे पिताजी बेल्ट से मारते थे, बेल्ट से नील पड़ जाता था, अगर कोई पड़ोसी आकर शिकायत कर जाए ना कि आपके बच्चे ने ये कर दिया, उस दिन भाई साहब बेल्ट और चप्पल की कुटाई फिक्स होती थी, कुटाई होनी ही होनी है, मम्मी का फेवरेट हथियार था चप्पल और पापा का हथियार था बेल्ट, तब भी हम कभी डिप्रेस नहीं हुए, तुम पता नहीं क्या डिप्रेशन, जरा सा डांट दिया डिप्रेस हो गए सर, बहुत डिप्रेस क्या करें सर, बहुत ज्यादा डिप्रेसी आ गए हैं, उनको क्या मिल जाएगा तुम अगर डॉक्टर बन जाओगे तो क्या मिल जाएगा उन्हें, क्या मिल जाएगा उन्हें, एक आध साल, चार पांच साल, दस साल अपने आसपास के लोगों में गा लेंगे, रिश्तेदारों में थोड़ी इज्जत बन जाएगी, उसके अलावा क्या मिल जाएगा उन्हें, ऐसा तो है नहीं कि तुम अपनी सारी सैलरी लाके रख दोगे उनके चरणों में कि लो ये पैसा मिला है रखो, एक महीना रख दोगे, दो महीना रख दोगे, तीन महीने रख दोगे, चार महीने रख दोगे, फिर जिंदगी तुम्हारी बनेगी ना, लाइफ तुम्हारी बनेगी ना, और अभी तुमने तैयारी शुरू भी नहीं करी ढंग से, अभी तुमने तैयारी शुरू भी नहीं करी ढंग से, अभी तुम निकल के भी नहीं आयो, सीधे भी नहीं हुए निकल गए, जड़े भी नहीं निकली तुम्हारी है ना, अभी तुम्हारी जड़े निकली भी नहीं है, अभी तुम्हें तैयारी का ता देखा नहीं है, ये कैसे तैयारी होती है, प्रिपरेशन कैसे होती है, जिसको देख ना कोटा आ जाओ, आके देखो, 2 लाख बच्चा यहां पर सुबह 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक लगा रहता है, घिसता रहता है अपने आप को, अभी तुमने तैयारी करना शुरू भी नहीं करी है, और मैसेज तुम्हारे ऐसे, सर हम सर हमसे लगता है सर नीट नहीं होगा, सर हम नहीं कर पाएंगे सर नीट, सर हमारे स्कूल में यूनिट टेस्ट में नंबर कम आए हैं, सर कैसे करें सर नीट, कैसे कर लें सर, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, भाई उनके मेंटल स्पेस में जाके उनको देखो, समझो उन्हें क्या चाहते हैं वो, ठीक है ना, वो नहीं, उनको क्या फर्क पड़ता है, सोशल प्रेस्टीज के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है मैं मानता हूं कुछ पेरेंट्स थोड़ा सा ओवर कर देते, कुछ पेरेंट्स थोड़ा सा ज्यादा ओवर करते हैं अपने बच्चों को, थोड़ा ज्यादा ओवर प्रेशराइज करते हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार देख के देखो, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख के देखो, तुम्हें क्या लग रहा है, आज तुम्हें 4,000 का 3,000 का यहां पर कोर्स दिला दिया, तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग करवा दिया 50,000 रुपए का, केवल वही इन्वेस्टमेंट है, अभी तुम MBBS करोगे 5 साल का, 5 साल, 1 साल की फीस 3 लाख रुपए होती है, 2 लाख रुपए होती है, 10-15 लाख रुपए का MBBS में इन्वेस्टमेंट है, वही तो करेंगे, कोई और फंड थोड़ा ना करेगा, और मान लो तुम्हारा तुम्हारे शहर में नहीं हुआ, तुम हॉस्टल रहने गए, तुम्हें ऊपर का पैसा भेजेंगे, खर्चा भेजेंगे, ऐसा तो नहीं, तुमसे कह देंगे MBBS करो, साथ में मजदूरी भी करो, खुद कमाओ, खुद खाओ,
जिस टेंडेंसी की तुम बात कर रहे हो उसे कहते हैं एस्केपिज्म, ठीक है ना, जिसको तुम बात कर रहे हो ना उसे कहते हैं एस्केपिज्म। कि सर वो पेरेंट्स को लगता है ऑनलाइन में होगा नहीं, ऑफलाइन से करा लेंगे, ऑफलाइन से नहीं होगा सर ऑनलाइन से करा लेंगे, हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, स्कूल है ये है पहला, प्रेशर है सर बहुत प्रेशर है। तुम्हें क्या लगता है यहाँ प्रेशर नहीं लोगों के ऊपर, ये तुम अकेले हो प्रेशर फेस करने वाले, जो 19 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बैच में जो 20-22 लाख लोग 2024 में नीट देंगे उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, तुम्हारे ऊपर अकेले प्रेशर है, तुम अकेले प्रेशराइज हो, तुम अकेले प्रेशराइज हो। यहाँ कोटा में सुबह 6:30 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लासे लगती है, 6:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक बच्चा क्लास में बैठता है, उसके बाद घर जाता है, 4 सब्जेक्ट की 4 DPP मिलती हैं वो सॉल्व करता है, हर संडे हर दूसरे संडे को यहाँ टेस्ट होता है, और टेस्ट में मारा काटी मची होती है क्योंकि हर दूसरे टेस्ट के बाद हर 4 टेस्ट के बाद बैच सफल हो जाता है, ऊपर से नीचे कर देते हैं बैच में अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, हर टेस्ट के बाद मम्मी पापा को मैसेज जाता है, उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, तुम इकलौते स्कूल जा रहे हो। पढ़ना है अपने लिए पढ़ो, पढ़ना है अपने लिए पढ़ो, ठीक है ना, पढ़ना है अपने लिए पढ़ो। तुम्हारे माँ बाप केवल तुम्हें रास्ता दिखाते हैं सही, क्योंकि वो चाहते हैं हर माँ बाप दुनिया में, कोई भी माँ बाप हो, ठीक है ना, कोई भी माँ बाप हो, XYZ कोई भी माँ बाप हो, किसी का भी माँ बाप हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो माँ बाप उसका, किसी बच्चे का माँ बाप रिक्शे वाला हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, उसके अंदर एक बात कॉमन होती है, वो हर माँ बाप ये चाहता है मेरी औलाद मुझसे ज्यादा बेहतर बने, लाइफ में मुझसे ज्यादा बेटर करे। वो तुम्हें डांटते हैं, तुम्हें बोलते हैं, तुम्हें बार बार जलील करते हैं, तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, केवल इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि तुम जिंदगी में उनसे बेहतर कर पाओ, और कुछ नहीं, तुम हर वो चीज कर पाओ जो वो नहीं कर पाए, जो उनका सपना बन के रह गया, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तुम्हें प्रेशराइज करने के पीछे, तुम्हें जलील करने के पीछे, तुम्हें डांटने के पीछे, ठीक है कुछ लोग ज्यादा कर देते हैं, नहीं करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चे को, लेकिन उनकी इंटेंशन कभी गलत नहीं होती। और ये एक बात याद रखना कि तुम्हारे माँ बाप हो सकता है तुम्हें डांटने में बोल देंगे मर जाओ जाके, और तुमसे अच्छा तुम बिना औलाद होते और तुम नालायक हो और तुम्हारा ऐसी की तैसी, तुम साले मर जाओ जाके, नाले में जाके मुंह दे दो अपना, लेकिन जिंदगी में कुछ भी होगा ना, तुम्हारे ऐसा कुछ भी अगेंस्ट होगा ना, तुम्हारे वही खड़े रहेंगे तुम्हारे साथ में, ये याद रखना, जहां तुम गिरोगे ना तुम्हें उठाने के लिए वही खड़े रहेंगे। इसलिए इस बात को पॉजिटिव मोटिवेशन की तरह लो, उनकी डांट को पॉजिटिव मोटिवेशन की तरह लो, तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए डांटते हैं तुम्हें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, उन्हें क्या फर्क पड़ता है भाई, जब तक तुम सेटल हो गए, मान लो तुम MBBS करते हो, जब तक तुम सेटल हो गए, आज तुम कितने साल के हो, 17-18 साल के हो, आज तुम 15-16 साल के हो, 6 साल बाद तुम सेटल हो गए, तुम्हारे मम्मी पापा 40-42 साल के होंगे, 6 साल बाद तुम सेटल होगे 46-47 साल के हो जाएंगे, ठीक है ना, जब तक तुम मेरी एज में आओगे, आज मैं 34-35 साल का हूं, जब तक तुम मेरी एज में आओगे तुम्हारे पेरेंट्स 60-62 साल के होंगे, बुढ़ापे में कौन से शौक कर लेंगे वो, तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं बेटा, खैर छोड़ो, फॉर कॉन्स्टेंट एन, और कॉन्स्टेंट